आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक स्फीयर को शेड करें। तो सबसे पहले आप HB पेंसिल लेंगे, पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल अच्छे से क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद HB पेंसिल की मदद से बिल्कुल धीरे धीरे उसको उस पूरे स्फीयर में शेड करेंगे। और ध्यान रहे कि कहीं पे वाइट एरिया ना छूटे, बिल्कुल एक जैसा एक फ्लैट आप शेड करेंगे। जो शैडो वाला एरिया है, जहाँ पे शैडो पड़ रहा है, वहाँ पे भी आप फ्लैट शेड कर देंगे HB पेंसिल की ही मदद से। उसके बाद जो बाहर जो भी हल्का फुल्का शेड बाहर निकल गया है, उसे आप इरेज कर देंगे। प्रयास ये करना है कि बाहर कम से कम निकले, थोड़ा बहुत निकल सकता है। आप जब शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत निकलेगा। उसके बाद आप यूज करेंगे 2B पेंसिल। 2B पेंसिल की मदद से आप उसमें जो भी कोर शैडो है या रिफ्लेक्टेड वाला एरिया है, वहाँ पे आप 2B पेंसिल की मदद से शेड करेंगे। पूरे तरीके से पेंसिल को पूरा डाउन करके ही पीछे पकड़ के पीछे होल्ड करेंगे और उसी से आप उसको शेड करेंगे। अगर आप एंगल बदलते हैं पेंसिल का, दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि वो एंगल दिखे नहीं, वो पहले वाले शेड से मर्ज हो। प्रयास ऐसा हो कि वो पूरी तरीके से मर्ज हो, ऐसा ना दिखे कि कभी पेंसिल इधर से चला हुआ है कभी उधर से। इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और साइड में जो भी एरिया है, जो साइड का एरिया है, उसे थोड़ा डार्क करेंगे जिधर लाइट कम पड़ रहा है, यानी सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट जो होगा उधर डार्क होगा। उसके बाद शैडो वाले एरिया में आप उसमें भी 2B पेंसिल की हेल्प से और शेड करेंगे। टू बी पेंसिल के बाद आप 4B का यूज करेंगे, जो उसको मेन शैडो जहाँ पे पड़ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे जो सबसे डार्क एरिया है, वहाँ पे 4B पेंसिल का हम यूज करेंगे। यानी थोड़ा सा बीच में वो डार्क एरिया आएगा, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो रिफ्लेक्टेड एरिया है, रिफ्लेक्टेड लाइट वाला एरिया है, और सबसे नीचे जो है कास्ट शैडो है। कोर शैडो को अच्छे से मर्ज करते हुए 2B से जो आपने किया है उसी के ऊपर 4B से शेड करेंगे, ताकि कोर शैडो जो है वो अच्छे से दिखाई दे, और जिसके चलते आपका स्फीयर जो है वो पूरा 3D में दिखे, वो उसका वॉल्यूम क्रिएट हो। कोर शैडो धीरे धीरे जो नीचे का कास्ट शैडो है उसमें भी डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। डार्क पेंसिल इन द सेंस कि 4B जो है आपके पास, जो 4B आप यूज करें उसी से कास्ट शैडो क्रिएट करेंगे, लेकिन लेयर बाय लेयर ही चलना है आपको। इरेजर की मदद से आप हाईलाइट टोन्स क्रिएट करेंगे।
उसके बाद आप जो डार्क शैडो है उसमें देख लेंगे कि कहाँ पे और डार्क किया जा सकता है, जहाँ से वो काफ़ी क्लियर हो जाए, फाइन हो जाए। उसके बाद आप मिक्स करने के लिए थोड़ा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कास्ट शैडो पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट पूरी तरीके से कट है, जबकि वैसा होता नहीं, धीरे धीरे वो जो आपका सरफेस है उसके साथ मर्ज होता है। उसके लिए आप ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। थोड़ा बहुत अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा और उसमें ज़्यादा डार्क का अनुभव नहीं होगा, डायरेक्ट कट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए वहाँ पे आप ईयरबड्स का लेके थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो सरफेस है वहाँ पे जो शैडो बन रहा है उस सरफेस के साथ थोड़ा मर्ज हो जाए।